ओम शांति। ओम शांति। आगे बढ़े तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए पहली बात क्या हो गई? ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का युग। ब्रह्मा समान बनना है तो ब्रह्मा ज्ञान अर्थात रोज की मुरली, ठीक है ना, रोज की मुरली। मुरली आजकल एक नई माया ने एक कैसे वो आलस अलबेलापन में लाती है और मिस कराती है। हम कहते हैं ना, बाबा ने कहा है ना मुरली मिस ना करो, तो हम इंटरनेट पर देख लेते हैं, संस्कार चैनल पर आता है उस पर देख लेते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ लेते हैं आदि आदि। तो ये सब आप कहीं बाहर गए हैं या आपकी ऐसी अवस्था है आप क्लास तक नहीं आ सकते हैं, बहुत बीमार हैं, तो ये सब उस समय के लिए ये साधन है, या दिन में आपको उसको रिवाइज करना है तो उसके लिए है, ना कि मुरली क्लास के समय। ये बाबा की आज्ञा है, बाबा ने दिनचर्या बनाई है, तो हमें मुरली क्लास, मुरली जो है क्लास में ही आकर के सुननी है। मुरली कहाँ सुननी है? अच्छा, टीवी में क्लास का क्लास का जो वाइब्रेशंस है वो तो टीवी में नहीं मिलेगा। संगठन मिलेगा टीवी में? नहीं मिलेगा। तो यहां जो आपकी एकाग्रता होगी, जो मुरली का सुख मिलेगा, वो टीवी में नहीं हो सकता। तो मुरली का महत्व, और ये सोचे कि ये जो परमात्म महावाक, भगवान के महावाक, बाबा ने कहा है कि एक एक महावाक अविनाशी कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है, 84 जन्मों की कमाई का आधार है। उस मुरली की वैल्यू हमारे अंदर कितना है? मुरली देखते हैं, मुरली से इतना प्यार है, मुरली से प्यार माना, बाबा से प्यार, मुरली की एक एक बात अंदर में समा जाए।